और जो लोग उनको देखे ही नहीं वो क्यों और कैसे मदद करेंगे। तो मेरा काम होता है उनकी तकलीफों को अपने वीडियो और फोटोज के जरिए लोगों तक पहुंचाना। नमस्ते दोस्तों, मैं आपका चैनल होस्ट मोइनुद्दीन चिश्ती RBS मोइन स्टोरी चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी कहानी एक फोटोग्राफर की कहानी है। एक ऐसा फोटोग्राफर जो कहीं एक जगह बैठ के 9 to 5 की जॉब नहीं करता है, वो देश भर में घूमता है और ऐसे लोगों को मदद पहुंचाने का जरिया बनता है जो लोग कभी ना कहीं किसी ना किसी रूप में या कहीं कोई एक रेयर या बहुत दुर्लभ बीमारी से जूझ रहे हों, जिनको इलाज के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। मेरे साथ हैं शाहरुख भाई, शाहरुख खान, जो बिहार से हैं, बिहार के नवादा ज़िले से हैं, एक एजेंसी के लिए काम करते हैं, वीडियो बनाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं। और इनके काम की सिर्फ इतनी सी मैं बताऊँ आपको कि इन्होंने अब तक ऐसी क्राउड फंडिंग वेबसाइट्स के लिए काम किया है, ऐसे पीड़ित लोगों को कम से कम 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए की मदद पहुंची है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया सर। है ना, आप जोधपुर की धरती पर, मैं जोधपुर में आपका स्वागत करता हूँ। सर, आपका ये जो धरती है, मतलब आते के साथ महसूस हुआ कि ये सच में रंगीलो राजस्थान जो कहते हैं। बिल्कुल, कैसे वैसा ही बहुत बहुत बेहतरीन है सर। तो आप क्या करते हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताइए। मैं वीडियो बनाता हूँ क्राउड फंडिंग साइट्स के लिए, एक एजेंसी के जरिए मैं काम करता हूँ, और मैं बेसिकली एक फोटोग्राफर हूँ, और मौका मिलते ही मैं लोगों को फोटोग्राफी भी सिखाता हूँ। तो आप जो काम कर रहे हैं उससे लोगों की जिंदगियाँ कैसे बदलती हैं, वो बताइए मुझे। सर, जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो होता क्या है कि जब कोई भी किसी को ज़रूरत है पैसों की, या ऐसी बीमारी है, गरीब हैं, वो अपना इलाज नहीं करवा सकते हैं, तो होता क्या है कि आसपास के लोग चाह के भी मदद नहीं कर सकते हैं, और जो लोग उनको देखे ही नहीं वो क्यों और कैसे मदद करेंगे। तो मेरा काम होता है उनकी तकलीफ़ों को अपने वीडियो और फोटोज़ के जरिए लोगों तक पहुँचाना। और कई सारी संस्थाएँ हैं जो हमारी एजेंसी के साथ काम करती है, न्यूज़ लाइन्स हमारी एजेंसी है, और केटो और मिलाप या इम्पैक्ट ग्रू, ये सब क्राउड फंडिंग साइट्स हैं जो इन लोगों के लिए फंड्स इकट्ठा करती है, और बाद में फिर उससे उसका अगर इलाज होना या किसी भी तरीके की ज़रूरत है तो वो उसका ख्याल रखती है, वो उसको पूरा करती है। मुझे मेरा काम बहुत पसंद है क्योंकि ये लोगों की ज़िंदगी बदलती है। सबसे पहली कहानी जो है, उसने उस व्यक्ति की ही ज़िंदगी नहीं बदली बल्कि मेरी भी ज़िंदगी वो उसने बदल दिया। बात वही 2016 की है, जब मैं अवार्ड जीत चुका था, मुंबई से मैं आया था। मुझसे कहा गया कि एक बच्चा है जिसके पूरे फेस पे ट्यूमर है, इनको देखने के लिए कुछ लोग आ रहे हैं, क्या शाहरुख तुम इस बच्चे को पटना ले जा सकते हो, इसके घर में कोई पढ़े लिखे नहीं है। मैं थका था, बावजूद मैंने कहा ठीक है, किसी की ज़िंदगी अगर बदलती है, उनके लिए कुछ लोग आ रहे तो जाने में क्या बुराई है। मैं चला गया वहाँ पे। उस बच्चे के इलाज के लिए जो आए थे वो मेरी एजेंसी के एडिटर जो फिलहाल हैं वो थे। उन्होंने मुझसे पूछा क्या करते हो, तो मैंने बताया सर फोटोग्राफी करता हूँ। बात आई गई हो गई। उन्होंने मुझे एक चीज़ बताया था कि शाहरुख तुम जो भी अवार्ड जीते हो वो है बड़ी चीज़, पर अपने दिमाग पे कभी इसको चढ़ने मत देना कि तुमने बहुत बड़ा अवार्ड जीत लिया, तुम्हें इससे आगे जाना है। छोटी जगह के लिए बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है, लेकिन इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं फोटोग्राफी में। बच्चे पे डॉक्यूमेंट्री बनने वाली थी, और वो डॉक्यूमेंट्री बनने वाली थी डिस्कवरी चैनल के लिए। तो कुछ दिन बाद मेरे पे फ़ोन आया, मुझसे बोला गया कि शाहरुख उस बच्चे का फ़ोटो खींच के भेज सकते हो। मैंने कहा जी सर ठीक है। मैंने उस बच्चे का फ़ोटो खींचा, वो फ़ोटो भेजने के बाद मुझे सीधा जवाब आता है, शाहरुख यू आर ऑन बोर्ड फॉर दिस प्रोजेक्ट। यानी शाहरुख ने काम नहीं मांगा पर उसको वो काम मिल गया। मैं आपको बता दूं कि मैंने मास्कॉम नहीं किया, पर मेरी जो काम है वो चैनल 5 जो कि लंदन का बहुत बड़ा चैनल है, डेली मेल, मिरर, इन सब चीज़ों पर चल चुका है, और मेरे साथ कई लोग आके इंटर्नशिप करते थे जो मास्कॉम के स्टूडेंट होते थे। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज़ जो मुझे मिली, ये मुझे मिला मेरे उस मदद करने के नेचर की वजह से। एक स्टोरी मैंने उड़ीसा में की थी, मनबोध नाम के व्यक्ति का, उसका चेहरा वन साइडेड बहुत बड़ा था ट्यूमर की वजह से, और जब वो स्टोरी पब्लिश हुई तो लगभग 30 लाख रुपये तुरंत ही इकट्ठा हो गए उसके लिए, और फिर उसका इलाज हुआ। अभी भी वो उसी इलाज वाले ही पीरियड में है। इस तरीके से मैंने किन्नर का स्टोरी किया था, वो
बेसहारा लोगों को अपने यहाँ पे जगह देती थी, अपने यहाँ आश्रय देती थी, उनका अपना घर नहीं था, तो उसके लिए भी पैसे इसी स्पीड से जमा हुए। देखिए, मैं करता तो फोटोग्राफी हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आर्ट्स वाले फील्ड से हूँ। मैंने पढ़ाई जो है वो फिजिक्स से की है, और मैं अपने क्लास में जब बचपन में मैं पढ़ता था तो पढ़ने में भी काफ़ी तेज था, साथ ही साथ क्रिएटिव माइंड मेरा बचपन से रहा है। मेरे खेल नॉर्मल बच्चों से अलग होते थे, मतलब 4-5 साल का होऊंगा और खुद से दिमाग में स्टोरी क्रिएट करना और बच्चों को इकट्ठा करके फिल्म के जैसा शूट करना, ये सब चीज़ करते थे। हालांकि अब सोचते तो मुझे खुद यकीन नहीं होता क्या ऐसा उतना कम एज में मतलब मैं ऐसा करता था, तो ये थोड़ा लगता है। इवन एक बार मैं घर से भाग गया था, भागने के दौरान मैंने क्या किया कि सबको दिखाया मैं शूट कर रहा हूँ, बैग में कपड़े डाले, पैसे डाले भैया का चुरा कर, और सबको लगा कि ये तो ऐसे ही खेलता रहता है, फिल्म की शूटिंग करता है। और मैंने क्या किया, बैग लेके घर से फरार। 2005 की बात है, मेरे बड़े भाई ने मुझे एक कैमरा गिफ्ट किया था, रील वाला, तो उसमें रील जब लगी होती थी तो मैं उससे फोटोग्राफी कर लिया करता था, और रील नहीं होती थी तो उसके व्यू फाइंडर से देखना मुझे पसंद था। पर जहाँ तक सीरियस फोटोग्राफी की बात है वो 2014-15 से शुरू हुई है। तब मुझे लगा कि नहीं, अब जो है वो इसी को शुरू करना है, इसी में करियर बनाना है। देखिए, मैंने कहीं से फोटोग्राफी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। मेरा क्या है कि फोटोग्राफी का किसी खास जॉनर से मैंने खुद को बांधा नहीं है, मैं सारे चीज़ों को मैंने ट्राई किया। फोटोग्राफी जब लोग शुरू करते हैं तो सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो उसी टाइम माइंड में बैठा लेते हैं कि उनको कौन से जॉनर की फोटोग्राफी करनी है। मतलब वो शुरू में ये सोच लेते हैं, मुझे तो फैशन फोटोग्राफर बनना है, मुझे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करनी है, मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफी करनी है। ये बहुत बड़ी गलती है। खुशकिस्मती कही है मेरी कि मैंने ये गलती नहीं की। मुझे ये था कि मुझे सब कुछ सीखना है, सब कुछ ट्राई करना है, और फिर जब ये समझ में आ जाए कौन बेहतर है तो उसी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है। मैंने शुरुआत की, सारे जितने भी जॉनर्स थे मैंने ट्राई किया, पर जो अभी मेरे दिल के ज़्यादा करीब है वो है स्ट्रीट फोटोग्राफी और लैंडस्केप फोटोग्राफी। स्ट्रीट फोटोग्राफी इसलिए पसंद है क्योंकि ये सबसे बेहतरीन जरिया है कि आप दिखा सकते हैं लोगों की लाइफ को। आप जो पिक्चर उस दौरान खींचते हैं जब आप स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतिहास को आप दर्ज कर रहे होते हैं, तो ये मेरे दिल के करीब है। इसमें कहानियाँ होती है, और लैंडस्केप फोटोग्राफी जो है, मैं ट्रैवल ज़्यादा करता हूँ तो मुझे वो भी पसंद है। पूरा इंडिया घूम चुका हूँ, एक दो स्टेट ही हैं जो छूटे हुए हैं मेरे से, आसपास के कुछ कंट्रीज भी मैं गया हूँ। तो ये है, जब आप फोटोग्राफर बनना चाहते हैं तो आपको घर से बाहर कदम निकालना होगा। शुरुआत आप घर से कर सकते हैं, पर जब आप अच्छा करना चाह रहे हैं, आप कुछ सीखना चाह रहे हैं, तो आपको बाहर कदम निकालना होगा। जितना आप घूमेंगे आपकी फोटोग्राफी उतनी ही बेहतरीन होगी, उसमें वो भाव आएगा। ऐसे क्या है, आप जब कहीं बाहर नहीं घूमते हैं तो फोटो निर्जीव होता है, उसमें कोई इमोशन नहीं दिखेगा आपको, लेकिन आप जैसे ही बाहर निकलते हैं तो आप जुड़ते हैं चीज़ों से, और जुड़ने के बाद जो पिक्चर आती है वो बहुत अलग होता है, सीधे दिल पे जाके लगती है वो पिक्चर। 2016 के लास्ट का है, अक्टूबर की बात है ये, मैं दिल्ली में एक फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट थी, कैनन फोटो मैराथन, भारत का सबसे बड़ा लाइव फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट है वो। इतना कॉन्फिडेंस था उस वक्त मेरे अंदर कि ये मेरे अंदर था कि कहीं ना कहीं, अरे भाई 10-12 प्राइजेज हैं तो कुछ ना कुछ तो मिल जाना है मुझे। तब दिमाग में ये था कि फोटोग्राफी कोई बहुत हार्ड चीज़ है नहीं, कुछ होता नहीं है, झूठ मूठ का सब बताते हैं, गहराई है पिक्चर में, ये भाव है, ये स्टोरी है, वो जबरदस्ती बनाते हैं, तो ये मेरे दिमाग में था। और तब मैं बहुत लाइटली ले रहा था फोटोग्राफी को, और कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा कि जब वहाँ पे फोटो सबमिट करने की बात आई तो वो थीम देते हैं, थीम देने के 1-1.5 घंटे के अंदर आपको उस थीम पे फोटो ढूंढनी होती है, खींचनी होती है और सबमिट करना होता है। तो मैंने सबमिट किया फोटो, हालांकि अच्छा था, पर जजों को उस वक्त वो पिक्चर पसंद नहीं आई, पर मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा था कि मैं सबसे आगे वाली पंक्ति में जाके बैठ गया कि भाई नाम पुकारा जाएगा, शाहरुख खान आइए, आपका प्राइज रखा हुआ है, ले जाइए। वेट करते करते नीचे से उन्होंने शुरू किया, मुझे लगता था अब मेरा नाम आएगा। जब पहला प्राइज तक पहुंच गए तो लगा कि ये सीधे क्या मुझे पहला प्राइज देंगे। वेट करने के बाद पता चला कि वो प्राइज किसी और को मिली, मेरा कहीं कोई नाम नहीं है। जब सेकेंड टाइम उसी साल मुंबई में ये कंपटीशन वापस से हो रहा था, तो मैं सोच लिया कि अब किसी को बताना नहीं है, पहला चीज, और दूसरा वो जो ओवर कॉन्फिडेंस था वो खत्म हो चुका था। तब दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये था कि मैं इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ,
सीखने के मकसद से, और सीखना जो चाहता है मिलता उसी को, ये चीज मुझे उस दिन समझ में आया। तब जो जीतने का लालच था वो मन से निकल चुका था, तो मैं ना आराम से टाइम देके फोटो खींच रहा था। और फोटोग्राफी आप करते हैं तो एक चीज का ख्याल रखें, जिसकी फोटो आप ले रहे हैं उससे जुड़े। और वो लोग शायद राजस्थानी लोग थे और टोकरी बिनने वाले, तो मुझे ना इंटरेस्ट जगह उनके काम में, तो मैं गया उनसे बात करने लगा। और जबकि मेरे पास टाइम एक या डेढ़ घंटा था, मैं आराम से बात कर रहा हूँ उनसे। तो बात करने के दरमियान क्या हुआ कि मेरा उनसे एक रिश्ता बन गया। हुआ क्या कि वहां बैठने के बाद मुझे लगा कॉम्पिटिशन के लिए कुछ फोटो तो लेना चाहिए, तो मैंने कहा बच्चों को कुछ भूख लगी है? वो बोले कि हाँ। तो हम बोले कि वड़ा पाव खाओगे? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने बोला ठीक है जाओ ले आओ। पर मेरी किस्मत देखिए, बच्चे जो है वो खाते इससे पहले उनकी माँ ने उनसे वड़ा पाव लेके खाना शुरू कर दिया। अब मैं मना भी नहीं कर सकता था कि आप मत खाओ, बच्चे को दे दो। तो बहुत देर से एक छोटा बच्चा मेरे टारगेट पे था जिसका फोटो मुझे लेना था। वो बच्चा मेरे कैमरे को देख के भाग रहा था, लेकिन जैसे उसकी माँ ने वड़ा पाव लिया, वो बच्चा अपनी माँ से जिद करने लगा दूध पीने के बारे में। तो माँ उसको दूध पिलाने लगी और खुद वड़ा पाव खाने लगी। तभी मेरे दिमाग में अचानक से आया कि इससे बढ़िया स्वाद क्या हो सकता है, कि माँ के हाथ में वड़ा पाव है जो कि मुंबई के स्वाद की पहचान है, और बच्चे के लिए माँ के दूध से बड़ा कोई फ्लेवर हो नहीं सकता है। तो मुझे लगा ये परफेक्ट पिक्चर है जो मैं खींच सकता हूँ। और ये मुझे तब मिला जब मैं उनसे रिश्ता बनाया, वहाँ पे बैठा, बात किया। दूसरा थीम मुझे मिला वो था हारमोनी यानी तालमेल। तालमेल के लिए मैं ऐसे निकल पड़ा, तो काफ़ी भटकने के बाद कारी को मैंने कहा कि आप बाबा जैसे इनके साथ खेलते हो वैसे खेलो, मैं फोटो निकाल लूंगा। वो खेलने लगे, अचानक खेलते खेलते उन्होंने क्या किया, कुत्ते को लिटा दिया। मतलब कुत्ता बैठा, वो उसपे ऊपर तकिया जैसे लेट गए और बीड़ी अपना जला के आराम से ऐसे बीड़ी पीने लगे। वो पिक्चर मैंने क्लिक किया, सबमिट किया। सबमिट करने के बाद जब रिजल्ट्स की बारी आई, विनर अनाउंस हो रहे थे, पहले रनर अप बताया गया, फिर थीम विनर बताया गया। जब विनर घोषित होने लगे तो मुझे लगा कि शाहरुख पतला दुबला आदमी हो भाई, साइड में चले जाओ, निकलने में आसान होगा, नहीं तो भीड़ में दब जाओगे। तभी उन्होंने मेरा नाम पुकारा। अब तो मेरे कानों पे मुझे बिलीव नहीं हुआ कि ये सच में मेरा नाम है। तो मैं ऐसे कर रहा था भाई जाने दे भाई करके, मैं वहां पहुंचा स्टेज पे, और बेसाख्ता कह सकते हैं कि मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े। एक नाम मैं लेना चाहूंगा जो राजस्थान जोधपुर के हैं, प्रोफेसर शिवजी जोशी, उनका काम देख सकते हैं, बड़ा बेहतरीन काम है। और काफी उम्र उनकी हो गई है, पर जो जोश और जज्बा उनमें आज भी दिखता है, मुझे लगता है ये एक फोटोग्राफर के अंदर ही हो सकता है। बिहार के मगध से हैं, मगध जो बुद्ध का स्थान, और जो बुद्ध में कंपेशन का जो उन्होंने करुणा का जो संदेश दिया, वो करुणा का संदेश यहाँ मैंने देखा है शाहरुख में बिल्कुल यूं कहूँ साकार हुआ है। तो शाहरुख, आप लोगों का जो भयंकर जिनका लालच बीमारी हो ग्रस्त, उनसे आप मिलते हैं, उनको स्टोरी बनाते हैं, और वो उनको स्टोरी बना करके आप वहाँ सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं, और फिर वो लोग डोनेशन देते हैं, और डोनेशन पहुँचता है और वो उनका इलाज होता है। ये तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वास्तव में एक परोपकार का काम कर रहे हो। इस दिस इज नोन एज सोशल फोटोजर्नलिज्म, एक सामाजिक फोटोजर्नलिज्म का काम आप कर रहे हो, मुझे बहुत पसंद आया। और दोस्त आपको भी सलाम करता हूँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपको बहुत लंबी उम्र दे, आपको खूब अच्छा काम कर रहे हैं तो उसमें आपको मदद करे। मुझे बहुत पसंद आया आपका काम, और फोटोग्राफी भी आप अच्छा करते हो, वो भी मैंने देखा है। नाइस, वेरी गुड, थैंक यू सर। आपको अगर हमारी इसी तरह की कहानियाँ और, सर मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जिस तरीके से मैं लोगों की ज़िंदगी बदलता हूँ, मैं इन्हें बोलने से मना कर रहा हूँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इनका काम पसंद आता है और आप लोगों की पॉजिटिव स्टोरी को जानना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है आप लोगों से। थैंक यू।